इन। सबसे पहला क्या था बच्चों? एट और इन। तो आओ अभी से पढ़ना शुरू करते हैं। एट और इन में अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो या तो हमारा एग्जामिनर प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा या हमारा एग्जामिनर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। अगर वो प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो ध्यान से सुनना, आपने अपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि किसी स्मॉल प्लेस का नाम है या किसी लार्ज प्लेस का नाम है। अगर स्मॉल प्लेस का नाम हो तो एट और अगर लार्ज प्लेस का नाम हो तो इन। अब इन स्मॉल और लार्ज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए मैम? तो ध्यान से देखो बेटा, जब भी वो किसी स्मॉल प्लेस की बात करेगा तो किसी गांव का नाम लिखा होगा, किसी कस्बे का नाम लिखा होगा, किसी गली का नाम लिखा होगा। अगर गांव, कस्बा, गली के अलावा वो लिखेगा तो किसी घर का नाम लिख सकता है, किसी घर का नंबर लिख सकता है। हाउस नेम, हाउस नंबर समझते हो ना आप? या फिर वो किसी पब्लिक प्लेस का नाम लिख सकता है। पब्लिक प्लेस से हमारा मतलब होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, या किसी चौक या चौराहे का नाम हो सकता है। चौक या चौराहे, इस तरीके से क्रॉसिंग्स जो होती हैं आपकी, उनका नाम हो सकता है। तो आपने स्मॉल मानते हुए एट लगाना है। इसके अलावा वो सिटी, स्टेट, कंट्री, इनके नाम लिखे या किसी ओपन प्लेस को लिख रहा है, या किसी ओपन प्लेस। ओपन प्लेस क्या होते हैं मैम? जैसे कि प्लेग्राउंड, नदी, कुआं, रिवर, ये सारे ओपन प्लेसेस होते हैं जो अनकवर्ड फ्रॉम अपसाइड होते हैं। तो हमें जहां पे भी स्मॉल प्लेस मिलेगा, विलेज, टाउन, गली का नाम, किसी भी गली का नाम, चौक चौराहे का, घर का नाम, घर का नंबर, सारे के सारे स्मॉल एट लगा दो, बड़े आते ही इन लगा दो। जैसे आई लिव इन रोहतक, ही वॉज एट स्कूल। समझ गए? तो स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस स्मॉल प्लेस है, इसलिए एट। रोहतक एक सिटी है, सिटी एक लार्ज प्लेस है, लार्ज प्लेस है, तो मैंने क्या लिखा? इन। समझ गए?